अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आज का जो वीडियो है मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड हमारी जितने भी सिस्टर है ना तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। अच्छा जी, ये सुबह सुबह का टाइम था और बस ब्रेकफास्ट की मैं तैयारी कर रही थी और लेफ्ट ओवर सब्ज़ी रखी हुई थी भिंडी की, उसके बाद मैंने एक एग फ्राई कर लिया था, साथ साथ मैंने रोटी बनाई थी और हस्बैंड के लिए तरोई की सब्ज़ी बनाई थी। तो बस ये हमारा ब्रेकफास्ट हो गया था। अच्छा, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करूंगी ना तो वो टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमारी लाइफ जो है ना वो इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है कि हमें अपने लिए बिल्कुल भी मतलब टाइम निकालने का मौका ही नहीं मिलता है, और अगर मौका मिलता भी है ना तो वो हम लोग सो कर गुजार देते हैं। और मतलब थिंकिंग ये हो गई है कि चले ठीक है, अगर टाइम है तो रेस्ट कर लेते हैं, सो जाते हैं, अगर सोते नहीं हैं तो फिर इंटरनेट चलाते हैं, सोशल मीडिया पर बिजी होते हैं, हम अपने आप की केयर करना ही बिल्कुल भूल जाते हैं, मतलब पैम्पर करना अपने आप को भूल जाते हैं, जिसे कहते हैं क्वीन ट्रीटमेंट। घर के कामों में बंदा इतना ज़्यादा उलझ जाता है ना कि कुछ उसको याद ही नहीं होता है। बट मैं अपनी रूटीन आप सभी के साथ आज शेयर करूँगी कि मेरा क्या रूटीन होता है, मैं कैसे अपने आप को पैम्पर करती हूँ, क्वीन ट्रीटमेंट देती हूँ, मतलब अपने आप को स्पेशल फील कराती हूँ। अर्ली मॉर्निंग जो मेरा रूटीन है तो उसे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ, और मतलब करना भी चाहिए, हर एक हाउस वाइफ को करना चाहिए। हस्बैंड सुबह जल्दी ऑफिस जाते हैं तो उनको नाश्ता देना होता है, उसके बाद मैं खुद ही नाश्ता करती हूँ, फिर फ्री हो जाती हूँ। अच्छा, डेली बेसिस पर मेरे जो भी काम होते हैं ना तो उनको मैं अप एंड डाउन कर लेती हूँ, मतलब शिफ्ट कर लेती हूँ, और शिफ्ट करने का पर्पस मेरा यही होता है कि अपनी अपनी सेल्फ केयर करना, अपनी पैम्परिंग करना। क्योंकि होता ऐसा है कि हम जो हाउस वाइफ होते हैं ना तो उनको 100 काम होते हैं और डेली पर्पस पर हम अपनी पैम्परिंग नहीं कर सकते हैं, अपनी केयर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए वीक में जो है ना 2 दिन अपने आप के लिए निकालें, ऐसे 2 दिन आप सिलेक्ट कर लो पूरे वीक में कि आपको किस दिन अपनी पैम्परिंग करना है, अपनी केयर करना है। तो नाश्ता करने के बाद मैं फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद वीक में मैंने 2 दिन अपने लिए सिलेक्ट करके रखे हुए हैं पैम्परिंग करने के लिए। तो सब होता क्या है ना कि आप जब गैस के पास जाते हो ना और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, शिद्दत वाली गर्मी हो रही है कि वो हीट जो होती है ना तो वो आपके फेस को इफेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। अगर हम बाहर धूप में निकलते हैं तो जो धूप होती है वो इफेक्ट करती है। बाहर तो वैसे रोज़ डेली पर्पज़ पर निकलना होता नहीं है दिन के टाइम पर, क्योंकि इतनी तेज़ धूप होती है यहाँ पर, और मोस्टली क्या होता है ना कि हमारा किचन में ही काम होता है गैस के पास। तो जब मैं लंच के टाइम पर जाती हूँ या डिनर के टाइम पर जाती हूँ ना तो सनस्क्रीन जो है वो मैं यूज़ करती हूँ, डेली पर्पस पे यूज़ करती हूँ। मैं इंडिया से लेकर आई हूँ और मैंने आप सबके साथ शेयर भी किया है कि मैंने कौन सी सनस्क्रीन लेकर आई हूँ एंड यूज़ करती हूँ। मैं यूज़ करती हूँ न्यूट्रोजीना की अल्ट्रा शेड सनस्क्रीन, और सबसे बेस्ट यही होती है, मतलब जब से मैं यूज़ कर रही हूँ ना तो इसके अलावा मैंने कोई भी सनस्क्रीन यूज़ नहीं करी है, एंड उसके प्राइस भी है ना तो वो भी हाई लेवल पर ही प्राइस है। अच्छा, जो गर्मी पड़ती है ना मई जून जुलाई अगस्त, ये जो 4-5 महीनों की जो गर्मी होती है ना, तो इसमें जो है वो मोस्टली सभी को सनस्क्रीन यूज़ करनी ही करनी चाहिए। और सनस्क्रीन के अलावा मैं हिमालय का फेस जेल भी यूज़ करती हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा सूट करता है, ये भी मैं इंडिया से ही लेकर आई थी। अच्छा, ये जो मेरा रूटीन है ना तो मेरे डेली पर्पज़ के ये रूटीन है, बाकी जो मेरे 2 डेज होते हैं ना वीक के, अपने आप को पैम्परिंग करना, स्पेशल फील कराना, अपने आप की केयर करना, तो उसमें मैं क्या करती हूँ ना कि कोई भी एक मास्क मैं बना लेती हूँ, जैसे कि जो राइस का मास्क होता है ना तो वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, काफ़ी टाइम से ट्रेंडिंग में है। तो जब मैं चावलों को बॉईल करती हूँ ना तो जो उसका पानी होता है तो उसे मैं अलग कर लेती हूँ, एंड उसमें मैं थोड़ा सा बेसन ऐड करती हूँ। बेसन ऐड करने के बाद में जो फ्लैक्स सीड होता है ना तो उसको मैंने पाउडर बना के रखा है, उसका 1 टेबल स्पून पाउडर ऐड करती हूँ, थोड़ा सा मैं दही ऐड करती हूँ। तो इस तरह का मैं जो है ना फेस मास्क बनाकर अप्लाई कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे ऑयलिंग करनी होती है तो मैं पैराशूट एडवांस से ही ऑयल यूज़ करती हूँ, इसके अलावा मुझे कोई ऑयल सूट नहीं करता है, या तो फिर मैं सरसों का ऑयल यूज़ करती हूँ। अच्छा, रोज़ वाटर जो होता है ना तो ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, आप डेली पर्पज़ पे अगर यूज़ करेंगे ना तो इसके जो रिज़ल्ट है ना तो वो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे। रोज़ वाटर भी जो है वो मैं डेली पर्पज़ पे ही यूज़ करती हूँ, जब मैं रात में सोने लगती हूँ ना तो बहुत अच्छे से जो अपना फेस है ना तो उसको वॉश कर लेती हूँ, वॉश करने के बाद में रोज़ वाटर अप्लाई करती हूँ। अच्छा, फेस पर लगाने वाले जो मास्क होते हैं या स्क्रब होते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें आज के टाइम में चल गई हैं, तो मार्केट में आपको ब्रांडेड चीज़ें देखने को मिलेंगी एंड उसके प्राइस होते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, बट मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं बहुत ही रेयर यूज़ करती हूँ, मतलब ओकेजनल ही यूज़ करती हूँ। मैं यूज़ इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा
हार्मफुल होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स भी इसमें होते हैं। ये मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग है, मेरी अपनी राय है, बाकी आपको जैसा जो अच्छा लगे आप बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि होता ऐसा है ना कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो प्रेफर नहीं कर सकते हैं, मतलब उनके हस्बैंड की सैलरी इतनी नहीं है, वो नहीं ले सकते हैं, मार्केट से नहीं खरीद सकते हैं, तो मतलब उनको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपकी किचन में सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं एंड आपके बजट के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेंगी। जैसे कि आपके किचन में मिलेंगे, आपको बेसन मिलेगा, राइस मिलेगा, तो इसमें बहुत अच्छे सोर्स होते हैं, हमारे स्किन को मतलब बहुत अच्छा इफेक्ट करते हैं। जैसे कि फ्लैक्स सीड है और चिया सीड भी है। चिया सीड जो है ना वो भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, इसको भी लोग अपने फेस पर आजकल अप्लाई कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोज देखे हैं और इसके रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। डेली बेसिस पर मेरा काम यही होता है कि डेली कपड़े चेंज करती हूँ, अच्छे से रेडी होती हूँ, हल्का फुल्का मेकअप करती हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी तो मेकअप नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और बहुत लाइट शेड में लिपस्टिक लगाती हूँ। हर बंदे को अपने आप को स्पेशल फील करवाना चाहिए, मतलब हर दिन करवाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप कभी कभी रेडी हो या अपने आप को स्पेशल फील कराएं। हमारी बहुत सारी सिस्टर ऐसी हैं, बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं कि सारा दिन काम करने के बाद में वो थक जाती हैं, थकने के बाद में रेस्ट मोड पर चली जाती हैं, अपने आप के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकालती हैं। तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, ऐसा नहीं करें और अपने आप को भी इंपॉर्टेंस दें, अपने आप को स्पेशल फील कराएं, एटलीस्ट 1 आवर तो निकालें अपने आप के लिए। क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ना, तो ये हमें एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है, स्पेशली जब आपकी शादी हो जाती है ना, और अगर आपको बहुत अच्छा हस्बैंड मिल जाता है, केयरिंग करने वाला हस्बैंड मिल जाता है ना, तो उसके लिए तैयार शेयर हो जाया करें रोज़। क्योंकि हम जो लेडीज़ होते हैं ना, वो अपने आप में ही क्वीन होते हैं, अपने घर की क्वीन होते हैं, अपने हस्बैंड के होते हैं। मेरे इस ब्लॉग में अगर आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बस ब्लॉग करते हैं यहीं एंड, आई होप सो मेरा ब्लॉग आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।